चाहे कोई डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, राइटर हो या ब्लॉगर हो, वक्त सबके पास बराबर है, सबकी रिसोर्स ये वक्त की बराबर है और सबको इसको एहतियात से इस्तेमाल करना है। ब्लॉगर्स के लिए कुछ चैलेंजेस एक्स्ट्रा हैं जो बाकी जो नौकरी पेशा लोग होते हैं उनके लिए नहीं होती। लेट्स हैव अ लुक एट दोस। एक तो ये कि ब्लॉगर्स ने अक्सर घर से काम करना होता है, तो उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा डिसिप्लिन चाहिए होता है, क्योंकि आप अगर अपना ब्लॉग कर रहे हैं तो आपने किसी को रिपोर्ट नहीं करना, आपने अपने आप को रिपोर्ट करना है। अगर तो आप किसी और क्लाइंट के लिए कर रहे हैं तो एटलीस्ट उसमें आपके पास डेडलाइन होगी एंड दैट विल डिसिप्लिन यू। लेकिन अगर आपका खुद का ब्लॉग है तो उसमें आपको डिसिप्लिन खुद ही को करना पड़ेगा, क्योंकि डेडलाइन देने वाले भी आप हैं और उसको मीट करने वाले भी आप खुद ही हैं। दूसरा ये है कि आपको हो सकता है सुबह को आप कहें कि चलो अभी तो पूरा दिन पड़ा है, मैं शाम को काम करूंगी, और शाम को कहें चलो कल सुबह जल्दी उठ के स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह भी आपको, क्योंकि वर्किंग आवर्स फिक्स नहीं है, आपने खुद तय करने, तो उसमें हो सकता है कि आप उसको ढील अपने आप को देते जाएं और टाइम इस तरह से लूज़ करते जाएं। उसके अलावा ये, क्योंकि आप घर से काम कर रही हैं और आप जो है अपने खुद के लिए अगर कर रही हैं या किसी क्लाइंट के लिए भी कर रही हैं, क्योंकि आप घर पर हैं, तो हो सकता है दोस्तों को या रिश्तेदारों को ये लगे कि इसका कौन सा बॉस सर पर बैठा है, ये हमारे साथ बाहर बाज़ार क्यों नहीं जा रही, ये हमारे साथ खाने पर क्यों नहीं जा रही, ये कोई और कुछ चीज़ें जो हैं। तो वो आपको उनको एहसास दिलाना ज़रा सा मुश्किल हो सकता है कि ये आपकी कमिटमेंट है और उनको इसको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा इन घंटों को जिसमें कि आपने काम करना होता है, बेशक आप घर से ही क्यों ना कर रहे हो। और आपको अपने आप को खुद सबसे पहले फोकस करना है अपने टास्क के ऊपर, ताकि ये सही हो सके। और प्रोक्रेस्टिनेशन यानी कि किसी काम को मुलतवी करते जाना, ये एक किसी भी लिखने वाले के लिए बड़ा प्रॉब्लम होता है, चाहे वो टॉपिक को सोचने के लिए हो या टॉपिक सोचने के बाद शुरू कहाँ से करें, पहला सिरा कहाँ से पकड़ें, या वो बीच में आके आप स्टक हो जाएं। तो ये इसकी डिफरेंट वो हैं। कैसे पता लगेगा कि आप ये कर रहे हैं, जान के मुलतवी कर रहे हैं? हो सकता है आप ये कर रहे हो कि आप लिखने के बारे में रिसर्च करे जा रहे हो, लिखने के बारे में लोगों से बात कर रहे हो, लेकिन जो आपका असाइनमेंट है उस पर आप तवज्जो नहीं दे रहे हो। तो इस ये काम करने में शामिल नहीं है, ये सिर्फ वक्त ज़ाया करने में या काम करने के लम्हे को पोस्टपोन करने में शामिल होता है। तो बी केयरफुल कि आप ऐसे ना कर रहे हो कि अपने आप को ही बहला रही हूँ कि हाँ मैं इसी बारे में तो रिसर्च कर रही हूँ, लेकिन वो असल में कोई उसका वैल्यू एडिशन उस सारी एक्टिविटी का आपकी असाइनमेंट के ऊपर ना हो रहा हो। और आप हो सकता है कि आप कहें कि अच्छा चलो ये मैंने बड़े अरसे से करना था, गाड़ी की ये चीज़ ठीक करानी थी, अलमारियाँ ठीक करनी थी, और वो करना शुरू कर दें ताकि आपको असाइनमेंट ना करना पड़े। तो अपने आप को तसल्ली देने के लिए आप कोई और काम कर लें, लेकिन एक्चुअली आप बहाने ढूंढ रहे हैं कि आपको काम ना करना पड़े। तो ये भी आपको अपने आप को डिसिप्लिन करने की ज़रूरत है, या खाम खाम बार बार जाके फ्रिज खोलें, देखें क्या खा सकते हैं और इसमें अपना वक्त गुजारते हैं। जैसे बच्चे जिन्होंने काम ना करना हो स्कूल में, तो वो बार बार पेंसिल शार्पन करते हैं और टीचर को ये शो करना चाहते हैं कि हम तो काम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअली काम से भागने की कोशिश कर रहे हैं। ये हम सब करते हैं एंड इट्स इंपॉर्टेंट टू बी माइंडफुल ताकि हम ये ना करें। इसकी वजूहत क्या होती हैं, हमें क्या ज़रूरत होती है कि हमने खुद जो चूज़ किया अपने लिए काम, खुद ही कोई असाइनमेंट ढूंढी है, खुद ही ब्लॉग स्टार्ट किया, फिर हम उसको मुलतवी क्यों करते हैं? कुछ वजहें तो ये होती हैं कि हमें लगता है कि हमने अगर लिखा तो क्या पता अच्छा ना लिखा जाए, तो हम डर के मारे या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से उसको पोस्टपोन कर रहे होते हैं, दिमाग में सोच रहे होते हैं किसी तरह परफेक्ट हो जाए जुमला, तो इसको फिर हम उस वक्त लिखेंगे। तो परफेक्शन का जो शौक है वो एक थोड़ा सा हमें हमारे रास्ते में आता है, और परफेक्शन क्योंकि उस तरह से नहीं हो सकती जो हम सोच रहे हैं, तो इसलिए हम कुछ भी नहीं करते उसकी वजह से। सो इट्स अ बिट ऑफ अ बैरियर, इमोशनल बैरियर है परफेक्शन का शौक। और उसके अलावा जो है, हो सकता है आपको कोई इंस्पिरेशन ना फील हो रही हो, आपको ये बहुत एक्साइटमेंट और एंथुजियाज़म ना हो रहा हो, जो कि हर वक्त नहीं होगा। और जिसने लिखना है काम के तौर पर, तो उसको अपने आप को डिसिप्लिन करके एक सर्टेन टाइम पर लिखना चाहिए। तो उसके अलावा एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन हैं, एडिक्शन, जो ये सोशल मीडिया को इस्तेमाल करना है, ये आप टेक्निकली एक एडिक्शन में आता है, क्योंकि लोग इसके ऊपर इतना वक्त सर्व कर रहे हैं, और बेशक उन्होंने उनके बच्चे इर्द गिर्द हैं और बहुत सी एक्साइटिंग चीज़ें इर्द गिर्द हैं, लेकिन उनकी आँखें जो हैं वो उसी के साथ अपने सेलफोन्स के साथ जुड़ी होती हैं, क्योंकि वो देखना चाह रहे होते हैं कि फेसबुक पर क्या हो रहा है, या किसने क्या ट्वीट किया है, या इंस्टाग्राम पर किसी ने क्या पोस्ट डाली है। तो इससे भी आपको माइंडफुल होना पड़ेगा और अपने आप को डिसिप्लिन करना पड़ेगा। उसके कुछ तरीके हम देखते हैं। इसके बारे में आप ये कर सकते हैं कि अगर आपको इंस्पिरेशन नहीं है, तो आप असाइनमेंट से मुतालिक रिसर्च करें और उसमें इंस्पिरेशन ढूंढें, ताकि एटलीस्ट आपकी कोई प्रोग्रेस हो रही हो उस असाइनमेंट को या ब्लॉग को लिखने में या कंप्लीट करने में। कोई कोट्स पढ़ के देख लें, अगर उससे होता है दिस मे नॉट बी वेरी यूजफुल,
लेकिन ये कि चलें इफ इट वर्क्स फॉर यू. उसके अलावा आप अगर बैठे हुए एक ही सिचुएशन में और सोच कोई नहीं आ रही तो उठें, एक्सरसाइज करें, गेट द ब्लड सर्कुलेटिंग, वॉक के लिए जाएं, अपने आप को फ्रेश करें, ब्रेनस्टॉर्म करें. फ्री राइटिंग इज़ वेरी हेल्पफुल, जिसमें आप कोई वक्त तय कर लेते हैं कि 2 से 4 या 5 मिनट के लिए मैंने लिखना है और बगैर रुके लिखना है, पेंसिल की टिप नहीं उठानी और बस लिखते रहना है. तो जो भी दिमाग में आ रहा है आपने लिखते जाना है. तो ये जो आपका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, परफेक्शन, ये वो उससे थोड़ा सा उसको ब्रेक कर देता है, उस रट में से आप फिर इसके ज़रिए बाय फोर्स निकल आते हैं. और इसके अलावा ये है कि रूटीन बनाना ज़रूरी है कि आपने किस वक्त लिखना है. ये भी काम है, जैसे कोई और काम है जिसको वक्त पे किया जाता है, ये भी एक काम है. ये कोई सिर्फ ऐसे खेल नहीं है या गेम नहीं है कि आपने जब दिल करेगा तो करना है. इसको आपने डिसिप्लिन के साथ और अपना रूटीन का हिस्सा बना के करना है. और अगर बड़ा सा काम है तो उसके छोटे छोटे हिस्सों में उसके गोल्स बनाएं कि इसके जब मैंने पहला ड्राफ्ट लिख लेना है तो फिर मैंने ब्रेक लेना है या मैंने बाहर जाना है. अपने आप को रिवॉर्ड्स ऑफर करें, लेकिन उसको छोटे हिस्सों में बांट के, जो बड़ा असाइनमेंट है, ताकि आपकी आप खुद अपने आप को इनकरेज करते रहें. अच्छा, उसके अलावा ऑनलाइन डिस्ट्रैक्शंस के बारे में हम ये कर सकते हैं कि कुछ आप जिस वक्त आपका काम करने का टाइम है तो आप कुछ वेबसाइट्स जो कि सोशल मीडिया की हैं, जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं और आपके बस में नहीं है कि आप उनको देखना शुरू कर देते हैं, तो आप उनको ब्लॉक कर सकते हैं. और ये कुछ लिंक्स हैं जहाँ पे जाके आप इनको स्टे फोकस्ड और लीच ब्लॉक है उसमें उतनी देर के लिए आप उनको ब्लॉक कर सकते हैं, यानी कि आपकी जो भी डिवाइस है उसके ऊपर ये उतनी देर तक नहीं खुलेंगी. और ये उसको आप प्रोग्राम कर सकते हैं पहले से, इसको आप जाके फर्दर एक्सप्लोर इसके ऊपर कर सकते हैं. उसके अलावा आप जो है ये एक टाइम क्लॉक है, ये आप लगा सकते हैं कि अब मैंने 1 मिनट से लेकर 60 मिनट तक का इस लिंक के ऊपर हो जाता है कि इतनी देर तक मैंने उठना नहीं है या इतनी देर तक मैंने कोई और चीज़ जो है, कोई और लिंक जाके नहीं देखना, जितनी देर जो आपने उस पर लिखा है. और जब वो अलार्म बजेगा कि जी जो भी आपने सेट किया था टाइम 40 मिनट्स का या 50 मिनट्स का या 15 मिनट का, जितने का भी, फिर उसके बाद जो है आप उसको मतलब आप एक्सेस फिर अपने उन दूसरी चीज़ों को कर सकते हैं. सो दीज आर वेज ऑफ डिसिप्लिनिंग योर सेल्फ, क्योंकि अब ये एक रियल एडिक्शन है जिसकी वजह से कि हमारा टाइम बहुत सारा ज़ाया होता है जो कि हम उसका एहसास भी नहीं सही तरह कर पा रहे होते. और भी ऑनलाइन टाइम मैनेजमेंट के टूल्स हैं, कैलेंडर्स हैं, वो आप बना सकते हैं जिसमें कि आपको फिर रिमाइंडर्स आते रहते हैं. टू डू लिस्ट्स बनाने की ऑप्शंस हैं, जैसे यहाँ पे टू डू एक है. सो दीज आर ऑल इजी टू यूज़ और ये आप इनको एक्सेस कर सकते हैं. वंडर लिस्ट एक है, इसमें आप हर किस्म की लिस्ट बना सकते हैं. आप इसको सिंक्रोनाइज कर सकते हैं अक्रॉस ऑल योर डिवाइसेस, एंड दीज आर सम वेज टू डिसिप्लिन योरसेल्फ. क्योंकि ब्लॉग्स बेशक बहुत क्रिएटिव होते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, उसमें बड़ी किसी और दुनिया के लिए आपकी आपने एक विंडो खोली होती है पढ़ने वालों के लिए, लेकिन जो उसको एक्चुअली लिखने का काम है वो डिसिप्लिन, जैसे कोई भी काम डिसिप्लिन से किया जाता है, इसके लिए भी डिसिप्लिन ज़रूरी है. बेशक आप ये सारे लिंक्स यूज़ कर लें, ब्लॉक कर लें, हो सकता है फिर आप जाके आपको इतनी ख्वाहिश हो रही हो कि आप देखें कि ट्विटर पर क्या हो रहा है, कि आप अपने किसी और गैजेट से, सेलफोन से जाके देख लें. अगर आपने इसको जो ब्लॉकर्स लगाए हुए हैं वो उस पर लगाए हुए हैं, अपने मेन लैपटॉप के ऊपर लगाए हुए हैं. सो एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू डिसिप्लिन योर सेल्फ एंड यू कांट जस्ट वेट कि जब मेरा दिल करेगा तो फिर मैं करूँगा. तो उस तरह से कोई काम नहीं होता. एंड आई वुड लाइक टू से कि हाँ, वेट फॉर इंस्पिरेशन, बट इंस्पिरेशन कई दफ़ा नहीं होती. और बड़े बड़े राइटर्स सब ने अपनी एक जगह फिक्स की हुई होती है जहाँ वो बैठ के लिखते हैं, और टाइम ऑफ द डे उन्होंने फिक्स किया होता है जिस वक्त उन्होंने कुछ ना कुछ ज़रूर लिखना होता है, और उसी में से फिर कुछ इंस्पायर्ड काम निकल आता है. सो दीज आर इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू कीप इन माइंड.